Hello everyone, this is Keshav Verma and in this lecture we will discuss about the important inventions and discoveries. महत्वपूर्ण आविष्कार और महत्वपूर्ण खोजें उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे इस सेशन के अंदर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पेनिसिलिन दैट इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक एवर प्रोड्यूस्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक द क्रेडिट गोज फॉर द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलिन टू द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द ईयर 1928. सो द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन द फर्स्ट एंटीबायोटिक क्रेडिट गोज थ्रू अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन द ईयर 1928. ओके, देखिए अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक तो योर आंसर विल बी पेनिसिलिन. पूछा जाता है कि पेनिसिलिन हु डिस्कवर द पेनिसिलिन और हु इन्वेंटेड द पेनिसिलिन देन योर आंसर इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. ईयर फॉर द डिस्कवरी और इन्वेंशन इन द 1928. ओके, द नेक्स्ट वन इज द ब्लड सर्कुलेशन. ओके, सो द क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम गोज टू द विलियम हार्वे. ही वॉज ए इंग्लिश फिजिशियन इन द ईयर 1628. ओके, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु डिस्कवर द ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी देन योर आंसर इज विलियम हार्वे. विलियम हार्वे ने बताया था कि पूरी बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन किस तरह से होता है. ब्लड हार्ट में जाता है, यहाँ से प्यूरीफाई होकर सभी बॉडी पार्ट्स के अंदर जाता है. सो द क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम गोज टू विलियम हार्वे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट वन ग्रेविटी. ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण बल. सर आइजैक न्यूटन फेमस इंग्लिश मैथमेटिशियन एंड फिजिसिस्ट डिस्कवर द ग्रेविटी आफ्टर एन एयर बॉल फेल ऑन हिज हेड इन द 1664. देखिए सर आइजैक न्यूटन एक पार्क के अंदर बैठे हुए थे. एक्चुअली इट वॉज ए सेब का पेड़ था कोई, उसके नीचे बैठे हुए थे. एक सेब उनके ऊपर आके गिरता है, देन उनके मन में एक छोटा सा आइडिया आता है कि ये जो फल है नीचे ही क्यों आया, ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया. सो फाइनली इट वॉज कंक्लूडेड दैट देर इज ए एवरीबॉडी हैज इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड. एवरीथिंग हैज़ ए ग्रेविटी. हर चीज़ का एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसी की वजह से चीज़ें एक दूसरे की तरफ खींची चली जाती हैं. सो द क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटी सर गोज टू सर आइजैक न्यूटन इन द ईयर 1664. और आइजैक न्यूटन ने ही बताया था कि जो सन है उसका ग्रेविटेशन फील्ड बहुत ज़्यादा है, उसी की वजह से और अदर प्लैनेट्स के चारों तरफ घूम रहे हैं. ओके, सो आइजैक न्यूटन और के बारे में अब महत्वपूर्ण पॉइंट्स ये भी हैं. इन्होंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस भी दिए थे. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ये फिजिक्स के अंदर आगे समझा दिया जाएगा. ओके, सो द डिस्कवरी फॉर द ग्रेविटी गोज टू सर आइजैक न्यूटन. सो नेक्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट पाश्चराइजेशन. पाश्चराइजेशन एक्चुअली इट इज टेक्निक इन विच एनीथिंग इज बॉइल्ड और टू सम एक्सटेंट ऑफ टेम्परेचर विच एट विच टेम्परेचर द एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गेट इनएक्टिवेटेड. देखिए किसी वस्तु को एक ऐसे टेम्परेचर तक हीटअप किया जाता है जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है. ओके, सो लुईस पाश्चर द फर्स्ट ऑफ ऑल टेल अबाउट द प्रोसेस ऑफ पाश्चराइजेशन. एंड लुईस पाश्चर ने ही वैक्सीन बनाई थी अगेंस्ट एंथ्रैक्स बैसिलस. देखिए एंथ्रैक्स बैसिलस के बारे में बात की जाए तो वेरी डेडली वेपन, जो बायो वेपन्स होते हैं वॉर टाइम में यूज किए जाते हैं, उनमें से एक एंथ्रैक्स बैसिलस है. ओके, सो अगर पाश्चराइजेशन की बात की जाए तो एक क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क. देखिए पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क की बात की जाए तो देयर टू टेक्निक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप मिल्क को 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट्स तक बॉयल करेंगे देन इट इज़ द पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क. ओके, सेकंड वन अगर आप 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट के लिए बॉयल करेंगे तो वही मिल्क का पाश्चराइजेशन हो जाएगा. तो उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो दे विल बिकम इनएक्टिव. ओके, सो द पाश्चराइजेशन प्रोसेस ऑफ पाश्चराइजेशन की डिस्कवरी लुईस पाश्चर ने की. ओके, सो नेक्स्ट वन एयर कंडीशनिंग या एयर कंडीशनर एसी इन्वेंशन के पीछे क्रेडिट जाता है वेलिस कैरियर को. वेलिस कैरियर कैरियर इनके नाम पे एक कंपनी भी है एयर कंडीशंस की. नो मच मोर पॉइंट्स अबाउट इट. इलेक्ट्रिसिटी ऑल यू नो द लाइफ चेंजिंग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्रेडिट गोज टू माइकल फैराडे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैराडे. देखिए ई एफ इलेक्ट्रिसिटी फैराडे एक जैसे शब्द हैं, एक साथ हैं, तो इसे भी थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए. ओके, नेक्स्ट वन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. ओके, देखिए डीएनए जो होता है डीऑक्सी
ribonucleic acid. ओके देखिए इंसान की जितने भी सेल्स हैं उनके न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मिलता है, डीएनए, इसको डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं. ओके इसी डीएनए की वजह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स या गुणों का स्थानांतरण होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर. ओके तो इस डीएनए की स्ट्रक्चर को समझने के लिए जो सबसे पहले सबसे बेस्ट मॉडल दिया गया था वो था डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ये दिया गया था वाटसन एंड क्रिक ने. और इसके लिए इनको नोबल भी दिया गया था ड्यूरिंग द ईयर 1962. ओके सो द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए गिवन बाय द वाटसन एंड क्रिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वन एनेस्थिया. एनेस्थिया क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ एनेस्थिया गोज टू हेनरी बिगलो और इन्वेंशन. देखिए एनेस्थिया देखिए पहले भी एंशिएंट टाइम के दौरान भी एनेस्थिया जाता था बाई ट्रीटिंग विद ओपियम, ऐसे मेडिसिनल जो हर्बल प्लांट से उनको सेवन करा के ट्रीटमेंट किया जाता था ताकि पेशेंट को दर्द ना हो. ठीक है आप बोर्ड देख सकते हैं यहाँ पर ये सेरिब्रल एनेस्थिया दिया जा रहा है यहाँ पर. ओके सर्जरी वगैरह के दौरान एनेस्थिया का प्रयोग होता है. ओके तो नेक्स्ट वन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी को पता है अल्बर्ट आइंस्टाइन को ड्यूरिंग द ईयर 1921 नोबल प्राइज दिया गया था फॉर द डिस्कवरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके ये क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा के पूछ लेता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 में किस चीज़ के लिए नोबल प्राइज दिया गया था. ऑप्शन में देता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सो योर आंसर इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वन एक्सरेज द क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज गोज टू रोइंटजन कोनाड रोइंटजन इन द ईयर 1895. ओके आप बाकी चीज़ें भी देख सकते हैं, इनको नोबल प्राइज भी दिया गया था ड्यूरिंग द 1901. ओके नोट्स बना लीजिए अच्छे से जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन जो बेसिक थिंग है वो है डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज गोज टू रोइंटजन. ओके नेक्स्ट वन पीरियोडिक टेबल, द क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ और इन्वेंशन ऑफ पीरियोडिक टेबल गोज टू मेंडलीव. फर्स्ट एवर पीरियोडिक टेबल वॉज डेवलप्ड बाई मेंडलीव ड्यूरिंग द ईयर 1869. ओके दैट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्कवरी इन द केमिस्ट्री, सो द इन्वेंशन ऑफ पीरियोडिक टेबल गोज टू मेंडलीव, क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ पीरियोडिक टेबल गोज टू मेंडलीव. ओके नेक्स्ट वन इंफ्रारेड की बात की जाए तो डिस्कवरी ऑफ इंफ्रारेड क्रेडिट गोज टू विलियम हार्शर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए इंफ्रारेड की अगर बात की जाए तो आपके जो नाइट विजन जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं आर्मी वालों के पास या फिर जो सीसीटीवी कैमराज होते हैं वो रात को जो रिकॉर्डिंग करते हैं वो सब रिकॉर्डिंग इंफ्रारेड रेडिएशन के बेस पे होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ओके सो नेक्स्ट थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाई नेचुरल सेलेक्शन, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाई नेचुरल सेलेक्शन. नेचुरल सेलेक्शन का अर्थ एक्चुअली होता क्या है, देखिए विभिन्न साइंटिस्टों ने ना इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में अलग अलग थ्योरीज थी, उनमें से एक थ्योरी ये थी नेचुरल सेलेक्शन की. नेचुरल सेलेक्शन या फिर आप इसको बोल सकते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट. देखिए इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं. ये थ्योरी एक्चुअली चार्ल्स डार्विन ने दी थी, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो इसको यहाँ से कनेक्ट कर लीजिए आप. थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सेलेक्शन गिवन बाय चार्ल्स डार्विन, ये थ्योरी कहती है उसको बारे में थोड़ा सा बताते हैं आपको. ओके थ्योरी में था कि अगर मान लो काफ़ी सारी हिरन हैं, ओके शेर आ गए, दो शेर आ गए, मान लो तीन शेर आ गए, चार शेर आ गए इनकी तरफ, क्या होगा शेर सभी हिरणों को खा जाएंगे या मार देंगे एक्सेप्ट वन विच इज़ द फिटेस्ट. फिटेस्ट मतलब जो जिसकी जो सबसे तेज भागने में जो सबसे तेज है वो बच जाएगा सिर्फ, बाकी सभी को शेर खा जाएंगे. तो नेचुरल सेलेक्शन का अर्थ यही है कि नेचर हमेशा फिटेस्ट को सेलेक्ट करती है. ओके सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे फिट होगा वो बच जाएगा, बाकी सब विनाश हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे. ओके थ्योरी दी गई थी ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा, थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन भी बोला जाता है इसको. ओके सो नेक्स्ट वन एस्पिरिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके द एस्पिरिन की इन्वेंशन किया था फेलिक्स होफमैन ने. द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एस्पिरिन इज एसीसैलिसाइक्लिक एसिड, ASA भी बोला जाता है इसको. ओके जो एस्पिरिन है देखिए इट्स एक एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक, ये एंटीपायरेटिक की तरह भी काम करती है और एनाल्जेसिक की तरह भी काम करती है.
सो वट इज़ द एंटीपायरेटिक? ऐसी ड्रग्स जो टेम्परेचर को लो करने में काम आती है उनको बोला जाता है एंटीपायरेटिक। एनल्जेसिक ऐसी ड्रग्स होती हैं जो पेन से रिलीव करती हैं, पेन रिलीवर। ओके सो एस्प्रिन फेलिक्स होफमैन ने किया था इसका इन्वेंशन, और मेन कॉन्स्टिट्यूशन एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड एंड इट्स एक्ट एज ए एंटीपायरेटिक एज वेल एज एनल्जेसिक। ओके नेक्स्ट वन बैक्टीरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंटनी वॉन लीवनहुक, इनको बोला जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। देखिए बायोलॉजी में अगर बात की जाए, अगर सिंपल क्वेश्चन पूछता है हु द फादर ऑफ बायोलॉजी, देन योर आंसर इज एरिस्टोटल, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटनी वॉन लीवनहुक। ओके सो नेक्स्ट वन ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप की अगर बात की जाए, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द डिस्कवरी ऑफ ब्लड ग्रुप्स इज कार्ल लाइनस्टाइनर ड्यूरिंग द ईयर 1901। ओके इनको इसी के लिए 1930 में नोबल प्राइज भी दिया गया। ओके सो ब्लड डोनेशन डे 14 जून को होता है, आप सभी को पता है 14 जून वही दिन है जो कार्ल लाइनस्टाइनर के जन्म का दिवस भी था। ओके तो 14 जून को कार्ल लाइनस्टाइन का जन्मदिन भी होता है, उसी दिन ब्लड डोनेशन डे भी मनाया जाता है। ओके सो नेक्स्ट वन सेल एंड सेल न्यूक्लियस, सेल न्यूक्लियस देखिए सेल की डिस्कवरी की थी वो थी रॉबर्ट हुक ने की थी, और सेल के न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी की थी सबसे पहले वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। देखिए हुआ क्या था, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले एक प्लांट्स की बार्क जो छाल होती है उसको एक माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके सो उन्होंने सेलुलाई उसको नाम दिया, धीरे धीरे करके उसको सेल बोला गया, दैट इज़ नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज हु डिस्कवर द सेल इज रॉबर्ट हुक, एंड हु डिस्कवर द सेल न्यूक्लियस दैट इज रॉबर्ट ब्राउन। ओके सो सेल से बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल की अगर बात की जाए माइक्रोप्लाज्मा, और लार्जेस्ट सेल की अगर बात की जाए तो एग सेल ऑफ ऑस्ट्रिच, जो शत्रु मुर्ग का अंडा होता है वो सबसे बड़ी सेल होती है। अगर यही क्वेश्चन ह्यूमंस के बारे में पूछ ले विच इज द स्मॉलेस्ट सेल, देयर आंसर इज स्पर्म। ओके और बिगेस्ट की वजह से ओवम। ओके स्मॉलेस्ट स्पर्म एंड बिगेस्ट ओवम। ओके नेक्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट डीडीटी, देखिए डीडीटी की फुल फॉर्म सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जाता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। देखिए फुल फॉर्म इसकी बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर पूछी गई है, इथेन यहाँ भी लिखी हुई है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ओके पॉल हर्मन म्यूलर ने इसका इन्वेंशन किया था, इसी के लिए अवार्ड किया गया था 1948 के अंदर इनको नोबल प्राइज से। डीडीटी की आप स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर यहाँ से पूछ लेता है, आप इसको अच्छे से डायग्राम बना लीजिए। ओके डीडीटी डाइक्लोरो डाइफ्लाइन ट्राइक्लोरो इथेन। ओके सो डिस्कवरी या इन्वेंशन पॉल हर्मन म्यूलर। ओके नेक्स्ट वन मलेरियल पैरासाइट दैट इज प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, जो करियर होता है वो उसको कहता है फीमेल एनाफ्लीज, फीमेल एनाफ्लीज। सो मलेरियल पैरासाइट की खोज की थी रोनाल्ड रोस ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम एक्चुअली इज द नेम ऑफ द मलेरियल पैरासाइट। ओके अब एक छोटी सी इंटरेस्टिंग बात आपको सभी को समझाना चाहूँगा। देखिए जितने भी मॉस्किटो में मेल फीमेल होता है, मेल और फीमेल, मेल कभी भी बाइट नहीं करता इंसान को। ओके ही फेड्स ऑन द फ्लावर्स, फ्लावर के जूस के ऊपर वो डिपेंडेंट होता है। फीमेल की बात की जाए, देखिए फीमेल मॉस्किटो है जो, वो एक्चुअली पेट भरने के लिए इंसान का खून नहीं पीती। द रीज़न बिहाइंड कि वो काटती क्यों है इंसान को, उसके पीछे रीज़न ये है, देखिए जो मॉस्किटो के अंदर जब अंडे बन जाते हैं, ओके अंडे बनने के बाद उनको न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है अंडों को सर्वाइव करने के लिए, वो अंडे को सर्वाइवर के लिए इंसान का ब्लड है जो उसमें जो प्रोटीन है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसीलिए देखिए अपने अंडों को पोषण करने के लिए ही फीमेल एनाफ्लीज इंसान को काटती है। ओके खून पीती है जो वो नॉट फॉर देयर न्यूट्रिशन, दैट इज़ फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ हर एग्स। ओके सो कुछ वैक्सीन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट कोलेरा वैक्सीन, प्लेग वैक्सीन, इनकी
इन्वेंशन किया वेल्डेमर हेफकिन ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। रूबेला वैक्सीन मुराइस हिलमैन ने किया। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन एडवर्ड जेनर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन तो हज़ारों बार देखा गया है कुछ पेपर्स के अंदर। पोलियो वैक्सीन एडवर्ड जेनर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके सो इन वैक्सीन के बारे में भी आप नोट्स बना लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट वन, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस और डिस्कवरीज जो कि केमिस्ट्री से संबंधित हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे जे थॉम्पसन ने की, प्रोटॉन रदरफोर्ड ने किए, न्यूट्रॉन और एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसकी खोज चैडविक ने की। देखिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपको पता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों, या न्यूट्रल भी कह सकते हैं आप इसको। ओके, इलेक्ट्रॉन जे जे थॉम्पसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन और एटम के न्यूक्लियस की खोज चैडविक ने की। ओके, रेडियो एक्टिविटी की अगर बात कर लें, हेनरी बेकरल, रेडियम पेरी क्यूरी एंड मैडम क्यूरी, आपको पता है दोनों कपल्स थे। एटम जॉन डाल्टन ने, देखिए एटम की खोज जॉन डाल्टन ने, एटम के न्यूक्लियस की खोज चैडविक ने। ओके, डायनामाइट अल्फर्ड नोबल, ये अल्फर्ड नोबल वही हैं जिनके नाम पर नोबल प्राइज़ दिया जाता है। ओके, पीएच आर्नोल्ड बैकमैन, पीएच की अगर बात की जाए तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएच, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके सो नेक्स्ट वन, वल्केनाइज्ड रबर, चार्ल्स गुडियर, गुडियर के नाम पे एक टायर की कंपनी भी है। वल्केनाइजेशन ऑफ रबर एक्चुअली एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर रबर की प्रॉपर्टीज बढ़ा दी जाती हैं। ओके, कई बार क्वेश्चन बोलता है वल्केनाइजेशन रबर में कौन से एक एलिमेंट का यूज होता है, दैट इज द सल्फर। ओके, सल्फर का यूज होता है वल्केनाइजेशन ऑफ रबर में। इस प्रोसेस की खोज की थी चार्ल्स गुडियर, जिनके नाम पे एक टायर की कंपनी भी है। सो नेक्स्ट वन, इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस रिलेटेड टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर से संबंधित जो जो इंपॉर्टेंट इन्वेंशन उनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंप्यूटर, फर्स्ट कंप्यूटर वाज मेड बाय चार्ल्स बैबेज। लैपटॉप की बात की जाए तो एडम ऑसबॉर्न। ओके, नेक्स्ट वन, गूगल लैरी पेज एंड सर्गे ब्रिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईमेल रे थॉम्पसन। WWW वर्ल्ड वाइड वेब, दैट इज टॉम बर्न्स ले। ओके, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। फेसबुक की आपको पता होगा मार्क जकरबर्ग, लेकिन एक क्वेश्चन पेपर ने पूछ भी लिया था कि फेसबुक की स्थापना किस वर्ष में हुई, तो 2004 के अंदर। याहू जेरी यांग एंड डेविड फिलो। ओके सो इन सभी को भी नोट्स बना लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट वन, कुछ ऐसी रैंडमली जो डिस्कवरीज, उनको किसी सेक्शन में रखना मेरे को उचित नहीं लगा, इनको इंपॉर्टेंट अदर डिस्कवरीज के अंदर मैंने उसको कॉलम बनाया। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिंटिंग प्रेस की बात की जाए, जोहान्स गुटेनबर्ग, देखिए थोड़ा सा ट्रिक लगाने की कोशिश करते हैं, प्रिंटिंग प्रेस WWE में एक गोल्डबर्ग नाम से प्लेयर हैं, तो ऐसे के लिए प्रिंटिंग प्रेस, देखिए पहले के टाइम में क्या था, जब टीवी तो होता नहीं था तो सब कुछ अखबार या प्रिंटिंग प्रेस में ही छप के आता था, तो गोल्डबर्ग की न्यूज़ थी जो लोगों के बीच में आती थी वो प्रिंटिंग प्रेस के जरिए आती थी। गुटेनबर्ग, गोल्डबर्ग, ऐसे थोड़ा रिलेट करने की कोशिश कीजिए। रिवॉल्वर सैमुअल कोल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। सेफ्टी पिन की बात की जाए, वाल्टर हंट ने, सेफ्टी पिन वाल्टर हंट। ओके, इलेक्ट्रिक आयन हेनरी सिले, लिफ्ट या एलिवेटर का आविष्कार किया एलिजा ओटिस, ये एक मेल थे ना कि फीमेल, एलिशा से आप फीमेल मत समझना इसको। ओके सो नेक्स्ट वन, टेलीस्कोप हैंस लिपर्शे, माइक्रोस्कोप की बात की जाए जैकरिस जेंसन, कैमरा स्टीवन सेशन ने। ओके, बॉल पॉइंट पेन जॉन सेलाउड, फाउंटेन पेन लेवाइस वाटरमैन है। ओके, बल्ब का आप सभी को पता होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थॉमस एल्वा एडिशन। फैन स्कॉट व्हीलर, व्हीलर देखिए फैन में भी तीन चार व्हील होते हैं ना, वो घूमते हैं व्हील की तरह, तो ऐसे याद करने की कोशिश कीजिए, फैन SS व्हील। ओके, एयरप्लेन द राइट ब्रदर्स, हालांकि इसके ऊपर काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज हैं कि एयरप्लेन का आविष्कार सबसे पहले किसने किया, लेकिन अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है देन यूर राइट आंसर इज द राइट ब्रदर्स। ओके, टेलीफोन का आप सभी को पता ही होगा, अलेक्जेंडर ग्रैम बेल। ओके, रेडियो सबको पता है मार्कोनी ने किया, टेलीविजन जॉन लॉगी बर्ड, कैलकुलेटर बायस पास्कल। ओके सो ये सब महत्वपूर्ण आविष्कार इस पूरी वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। देखिए आविष्कार तो और भी काफ़ी होंगे बहुत सारे, लेकिन देखिए होता क्या है, हमें कंपटीशन के लिहाज से ऐसे चलना पड़ता है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ओके सो इम्पोर्टेंट इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज इस लेक्चर में लगभग सारी कवर करने की कोशिश की हैं। सो अगर कोई रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड कीप लर्निंग, सीखते रहिएगा प्लीज़।